जींस कितने कितने का है? 250 कोई सा भी 250 का? कोई सा भी 250। क्वालिटी अच्छा है यार, इसके अंदर देखो म्यूजिक भी है। और ये वाला BMW टोयोटा थार, ये BMW का प्राइस कितना है? सेम मॉडल है, 4x4 आएगा। 4x4 प्राइस भी सेम है, कितना प्राइस बताएगा? Hey guys, good morning, welcome back to the another video of the Life Lens Vlog. तो गाइस स्वागत है आपको सभी का मेरे YouTube चैनल द लाइफ लेंस ब्लॉग में। और मैं हूँ अभी काजूपाड़ा थाने में और मेरे साथ हैं बापू सर एंड अमित। अमित तो उधर बाथरूम में आना है और मैं इधर हूँ ये बंगले में, वो मैं बंगले का टूर आपको देता हूँ। तो रात को हम आए इधर काजूपाड़ा में, काजूपाड़ा थाने में, और काजूपाड़ा में हमने ये बंगला बुक किया और बंगले में रुके हैं हम। और अमित उपी जी नहा के आया है। दिख रहा है तो वो नहा के उधर ही खड़ा हो गया और बापू सर भी उधर एकदम रेडी हैं। तो आज हम जाएंगे चोर बाजार। इस ब्लॉग को बनाने का मेरा पूरा मोटिव यही था कि मैं चोर बाजार की वीडियो दिखाऊं। ज्यादा कुछ रिकॉर्ड इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ मेन पॉइंट है वो मेरे को दिखाने हैं। मैं सिर्फ स्पेशली चोर बाजार की वीडियो के लिए आया था तो मैं आपको चोर बाजार का वीडियो ही दिखाऊं। तो अभी चाय पी रहे हैं, चाय लेके आए हैं राशिद भाई, जो राशिद खान जैसे दिखते हैं, इनका नाम भी राशिद है। अमित भी चाय पी रहा है। तो ठीक है, चाय पीने के बाद मैं आपको पूरा बंगले का टूर कराऊंगा, पूरा बंगला दिखाऊंगा। आप उधर रह गए तो वो अभी नहा धो के आए और ये चाय का मजा ले रहा हूँ, चाय का मजा ले रहे हैं। तो गाइस नहा धो के रेडी हो गया हूँ। अब मैंने जैसा आपको बोला था मैं बंगले का पूरा टूर देने वाला हूँ कि बंगला कैसा है, और हमने इसको बुक किया था रात को। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये कुछ ऐसा है। एक इधर ये पेड़ दिया गया है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और पीछे एसी है। और बाहर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर की तरफ का व्यू ये इधर देखो, ग्लास है एंड इसके पीछे ये बालकनी है। इसे बाहर निकलने का ट्राई करता हूँ, बाहर से दिखाऊंगा। ये है बंगला नंबर 5 सोनचापा। तो ऐसा था कुछ हमारा होटल रूम, आपने देखा मतलब बंगला ऐसा था बंगला। इस बार हमने पूरा प्लानिंग किया, रुकेंगे तो मस्त में ही रुकेंगे भाई, नहीं तो भाई नहीं रुकेंगे, वापस चले जाएंगे। ये बापू सर हैं, इनकी वजह से ये सब हो पाया। नहीं सर, मेरा मेहनत सर, उनका मेहनत है, जो मेहनत करे वही आगे जाएगा। आज मेहनत का फल मीठा रहता है, कभी भी किसी को उसका श्रेय नहीं देना, जो काम करेगा वही आगे जाएगा। हम एक बहुत मिशन लेके आए हैं बम्बई में और आगे वही काम करेंगे। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, बस यही है मेरा मेन मोटिव। तो गाइस बंगले से निकल रहे हैं अब, इधर से बापू सर भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, निकलते हैं इधर से और चलते हैं मुंबई चोर बाजार और घूमेंगे और भी जगह पे। और अमित का ये कॉल पे लगा है, क्या नाम था, ये क्या नाम है, सोनचापा, मेरे को कैमरे में अच्छा उल्टा दिख रहा है थोड़ा। सोनचापा नाम का ये बंगला है जो कि काजूपाड़ा में है, उसमें हम रुके थे रात को। और अब निकलते हैं, टैक्सी वैक्सी करेंगे यहाँ से और पहुँचेंगे सीधा चोर बाजार। हमको चोर बाजार निकलना है,
यहाँ पर बहुत सारे बंगले बने हुए हैं, देखो बहुत सारे बंगले हैं। तो बाकी ये है राशिद भाई, राशिद खान, जो कि हमें खान है आपका रुद्रा, राशिद रुद्रा। हाँ तो इनका नाम थोड़ा अटपटा है, राशिद कुछ भी, लेकिन जो भी है ये गोरखपुर से यूपी से है, तो इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया, हेल्प की हमारी, और इनकी वजह से हम रुक पाए अच्छे से, और उन्होंने हमें फुल अच्छी सर्विस दी। और ये पीछे इस साइड पे, पीछे की साइड गोल्डन रेटेड बंगलो उधर हैं, पांच बंगले, कितने फाइव बंगले हैं, तो उनमें से एक हमने बुक किया था, और राशिद भाई ने हमारी काफ़ी हेल्प की। ठीक है, अब जा रहे हैं, हम देख रहे हैं टैक्सी के लिए, टैक्सी मिलेगा तो हम टैक्सी से बैठेंगे और फिर निकलेंगे सीधा मीरा रोड की तरफ, फिर मीरा रोड से हम जाएंगे चोर बाजार। हमारा जो मेन फोकस है वो चोर बाजार है, हमें चोर बाजार ही निकलना है, और हम चोर बाजार के लिए ही आए थे। लेकिन अगर मुंबई कभी आते हो तो आपको थोड़ा घूम लेना चाहिए, इधर पीछे भी काफ़ी सारे बंगले और होटल्स बने हुए हैं, यहाँ पर लोग आके रुकते हैं, और मैं हाँ एकदम बेस्ट है, बापू सर बोल रहे हैं एकदम। लोग बोलते हैं ना मुंबई मुंबई रुकते नहीं, मुंबई रुकते, आज हम लोग ने लाइव देखा मुंबई रुकते नहीं हमेशा के लिए, मुंबई बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है मुंबई, बहुत फास्ट है। लेकिन हम सिर्फ चोर बाजार के लिए आए थे, चोर बाजार का वीडियो बनाना था हमको, लेकिन हम आए तो हमने थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इधर घूम लिए। हम गए थे गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको वीडियो में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ दिखाने से क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। और जो लोग भी आते हैं उनको पहले से ही पता है कि यार मुंबई लोकल का ऐप डाउनलोड करना है और जाना है मीरा रोड से सीधा थाने से, मीरा रोड से, और जिस दादर से, मुंबई सेंट्रल से, आप किधर से भी गेटवे ऑफ इंडिया जा सकते हो, तो उसके लिए क्या दिखाना, उसको तो मैंने दिखाया नहीं। और मरीन ड्राइव भी गए थे हम लोग, उधर का वीडियो भी मैं आपको क्लिप दिखाया है मैंने आपको, तो बस यही मतलब है, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैंने आपको इधर उधर का कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ सिंपल चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई। और अब मैं सीधा चोर बाज़ार, जो मेरा मेन फोकस है, इसके लिए मैं आया था चोर बाज़ार के लिए, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है ऋषि यादव, आप देख रहे हैं लाइफ लेंस ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो स्टेशन पर पहुँच गए, और ये देखो भाई क्या मार्केट लगा रखा है ऊपर। आज वो फिर छोटा सा मीटिंग है उसको अटेंड करते हैं, फिर वापस जाएंगे CSMT, तो पहले मीरा रोड चलते। ये देख लो भाई मीरा रोड स्टेशन का बाहर का व्यू, और इधर लिखा हुआ है मीरा रोड। ये देखो गाइस परफेक्ट केन विलियमसन भाई, एकदम परफेक्ट। ये देखो भाई इंजर्ड हो जाता है हर बार, इस बार भी इंजर्ड हो जाएगा शायद। ये देखो, और ये मैक्सवेल लग रहा है एकदम। ये देखो उसने 200 रन की पारी खेली थी, उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी। और ये कौन है ये आप कमेंट में बताओ, ये मेरे को नहीं पता। मैक्सवेल एकदम गजब लग रहा है यार, केन विलियमसन तो एकदम टू कॉपी है। ये देखो गाइस साइड में जेल है बेचारे खरगोश को, सबको जेल में डाल दिया है, पता नहीं किसने डाला है, लेकिन जेल हो गई इनको। ये देखो जेल से फरार हो गया, इसको पकड़ता हूँ जेल में डालता हूँ। अरे कहाँ तक भाग गया, रुक तेरे को जेल में डाल के रहूँगा भाग। अरे यार यार रुक नहीं रहा, चलो जान दो, बेचारा परेशान हो रहा है। चलो इन सबको आज़ाद कर देता हूँ, होगा वो देखा जाएगा, इसको बहुत जल्दी है। रुक यार एक मिनट, पहले जेल देख लूँ कैसा जेल है। ये अभी हट रहे, ये किधर बैठा है। अरे यार इनके तो मजे हैं, मस्त लेटे लेटे सो रहे हैं इधर। नाइस, बाहर वाले रेबिट से तो इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर है यार। चलो नहीं निकलता इनको, ये कौन है भाई। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। तो चलो इनके एरिया में दखलंदाजी नहीं करते, इनको इनके हल पे छोड़ देते हैं, मजे करो। 2 seat 86 पैसेंजर्स, यानी कि 86 लोगों के लिए। ये देखो भाई 86 लोग, एक कोच में 200 लोग के ऊपर बैठ जाते हैं यार। भाई इन लोगों का डेली अप डाउन रहता है भाई, कितना मुश्किल होता होगा आपको समझ सकते हैं। तो फाइनली यार बच के आ गया हूँ एकदम सही सलामत लोकल ट्रेन से। तो पहुँच गए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू।
तो अभी हम जा रहे हैं मनीष मार्केट, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पैदल भी जाते। तो ये स्टेशन के नीचे कुछ ऐसा है, यहाँ पर भी छोटी छोटी दुकान स्टॉल लगा के रखे हैं लोगों ने। यहाँ पर देखो एक नंबर बैग मिल रहे हैं। तो गाइस ये मनीष मार्केट है, यहाँ पर मुझे वीडियो बनाने का परमिशन नहीं मिला था। तो इसका क्या झोल है, क्या लफड़ा है और क्या क्या सीन है इसके, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को, चाहे पूरा वीडियो मिस कर दो लेकिन आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इसका वीडियो पूरा देखना जो लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो यार ये है मुनाब भाई, यार इनका मैंने इंट्रो लिया था लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यारा मार्केट में इनकी शॉप है, मुसाफिर खाना रोड पे, मुंबई। इनकी शॉप का एड्रेस मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बच्चों के खिलौने काफी सिमिलर प्राइस में ये सेल करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है येलो कलर का बाइक जो कि छोटे बच्चों के लिए, कितने का प्राइस है इसका? 4000 का है। ये 4000 का आएगा तो काफी सस्ता है। इसके अंदर देखो म्यूजिक भी है। साढ़े पाँच हजार रुपए में आप देख सकते हो इसकी कंडीशन एकदम ओके है। काफी अच्छा साउंड आ रहा है। एंड लास्ट में R1 कौन सा? ये निंजा बाइक, RX निंजा बाइक। वही लुक देखो इसका, कितना बेहतरीन है। लाइट देखो, कितना प्राइस है इसका? 7000। बाबू एकदम क्लासिक बाइक मिल रहा है, व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर, रेड कलर, ZX100 निंजा। इधर देखो निंजा, ये रेड कलर, ये तीनों सेम है ना? ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम प्राइस है। ये लाइट ऑन होती है। इसका प्राइस कितना है? 7500। जीप है, ब्लू कलर में, ब्लू कलर ऊपर वाला। अरे वाह, ये मस्त लग रहा है एकदम। ये टोयोटा का है, टोयोटा का ये थार है। और ये वाला, ये BMW है, BMW टोयोटा थार। तो ये BMW का प्राइस कितना है? ये सेम मॉडल है, 4x4 आएगा। 4x4 प्राइस भी सेम है। कितना प्राइस बताया था? 7500। ओके, ये देखो गाइस लैम्बोर्गिनी एकदम क्वालिटी में, एकदम डबल सीट है। कितने का प्राइस है इसका? इसका 9000 का आएगा। 9000 में आपको लैम्बोर्गिनी मिल जाएगा आपको। ये 11000 रुपए, ये 11000 का। और वो बाजू वाला 9000 का। और ये वाला रोल्स रॉयल, 1 करोड़ का गाड़ी है, वो कितने का है? ये पड़ेगा 11500 रुपए में। एक नंबर गाड़ी, आप देखो रोल्स रॉयल का लोगो एकदम परफेक्टली इधर लगाया हुआ है। इससे बड़ा गाड़ी निकाल के दिखा रहे हैं, ये देखो। ओ भाई साहब, इसमें तो पूरा 10-11 साल का बच्चे बैठ सकते हैं आराम से। बैठ गए इसके अंदर। जब कितना बैटरी है इसमें? 12 वोल्ट का बैटरी है। जब इतना बड़ा है आदमी इसके अंदर बैठ सकता है तो बच्चा तो आराम से ही चला सकता है। कितना? 70 किलो। 70 किलो वेट ये अपने ऊपर जो है। इसके अंदर कलर ऑप्शन मिलेगा, कलर ऑप्शन है। 13500। अरे भाई 13500 रुपए में इतना बेहतरीन। अभी इसका वीडियो आपको निकाल के दिखाता हूँ पूरा। देखो भाई एक नंबर है। 70-80 किलो वेट कैपेसिटी रहेगा मैं सर। 70-80 किलो वेट के पीछे। ओके, 16500 का पड़ेगा सर। एक नंबर, 16500। अच्छा है। तो ये है मुनाब भाई एंड इस्लाम भाई। पूरे मार्केट में इनके जैसा प्राइस कोई नहीं देगा, वो भी वारंटी के साथ। और हमारे YouTube चैनल से अगर कोई आता है तो आपको उसको डिस्काउंट कितना करेंगे? जो भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर डालेंगे। अगर हमारे YouTube चैनल से कोई भी अगर इधर दुकान पे आता है तो उसको 500 रुपये से 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मैं बोलता हूँ, ये करके देंगे। तो आप जब आओ तो डेट देख के आना। अगर आप लेट आते हो तो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है? तो YouTube के हिसाब से आओगे, YouTube के जरिए आओगे तो आपको थोड़ा बहुत प्राइस इधर कम करके देंगे, ठीक है? मिलते हैं आपसे बाद में। ओके बाय। अच्छा लगा आपको, धन्यवाद।
तो मनीष मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है, वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। किसी दूसरे मार्केट में जाओगे तो आपको जो चीज़ 4000 रुपये मिलेगी वो यहाँ 1500 से 2000 रुपये में मिल जाएगी आसानी से। मुझे वीडियो इसलिए नहीं बनाने दिया था क्योंकि बाई चांस अगर मैं वीडियो बनाता तो वो लोग मुझे प्राइस बताते 2000 3000 जो भी बताते स्मार्टफोन के, और फिर उस प्राइस में वो फ़ोन आपको नहीं दे पाते क्योंकि यहाँ पर डेली के 1000 से 1500 मोबाइल बिक जाते हैं। लोग यूट्यूब से वीडियो देख के आते हैं और इनसे बोलते हैं भाई 2000 का दो 1000 का दो, तो ये लोग नहीं दे पाते क्योंकि वो स्टॉक ख़त्म हो जाता है, दूसरा नया स्टॉक आता है, और उस वीडियो की वजह से इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और यही कारण है कि ये लोग यहाँ पर वीडियो बनाने से मना करते हैं। तो थोड़ा दिमाग अपना भी चलाना, कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो आपको काट सकती हैं अच्छे से। जैसे कोई फ़ोन 5000 का या 6000 का है तो उसको आपको मात्र 1000 रुपये बताने हैं, मैं इसको सिर्फ 1000 रुपये में लूँगा, फिर वो थोड़ा कम करेगा आप थोड़ा बढ़ाना, तो आपको 6000 का फ़ोन मिनिमम 2000 से 2500 में मिल जाएगा, और अगर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आपको वो 5000 में चिपका देगा। तो इसलिए अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का और उधर सोच समझ के ही पैसा खर्च करना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुरेश ले ले, क्या ले ले भाई, सुरेश ले ले।